ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी वाज मोर ए, फर्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज मोर ए, क्या लगता है आपको? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो आप अपना आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं नीचे। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है डीपली तो आप बता सकते हैं। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा डी स्पिरिचुअल लीडर। राइट आंसर होगा डी स्पिरिचुअल लीडर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वीपन्स, गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वीपन्स, गांधी जी अपने मुख्य हथियार के रूप में किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, ऑप्शंस आप देखिए और बताइए। ओके फाइन, चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी अपने हथियार के रूप में ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का यूज़ करते थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते थे, तो वही उनका हथियार था। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल 4, गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल 4, गांधी जी डिफरेंट टाइप के आर्टिकल किसके लिए लिखते थे, यानी किस न्यूज़पेपर के लिए वो लिखा करते थे। चार ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बताइए। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं, इसका भी राइट आंसर होगा डी यंग इंडिया। गांधी जी यंग इंडिया के लिए लिखा करते थे। ओके राइट, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू द मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू द मैन, सिविलाइजेशन यानी हमारी सभ्यता किस तरफ इशारा करती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख सकते हैं। अगर आपको आंसर पहले से आ रहा है तो आप अपना आंसर कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा द पथ ऑफ ड्यूटी। सी इसका सही आंसर होगा, सी द पथ ऑफ ड्यूटी। हमारी सभ्यता हमें हमारे कर्तव्य की राह पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, क्या होगा? टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको क्या लग रहा है आप अपना आंसर कमेंट करके चाहे तो बता सकते हैं। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट ऑप्शन सी होगा माइंड्स एंड पैशंस। राइट आंसर होगा माइंड्स एंड पैशंस। ओके फाइन, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैप्पीनेस इज लार्जली ए, हैप्पीनेस इज लार्जली ए, हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज लार्जली ए, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओके फाइन, मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा ए मेंटल कंडीशन। जी हाँ, मेंटल कंडीशन, हमारी मानसिक अवस्था पे हमारी खुशी डिपेंड करती है, ऐसा इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर में महात्मा गांधी ने कहा था। ओके फाइन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, हमारी दिमाग चंचल चिड़िया है जो हमेशा रहती है। चारों ऑप्शंस को देख के आप क्या कह सकते हैं? ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर सही होगा बी अनसेटिस्फाइड। हमारे दिमाग को कितना भी मिल जाए ये अनसेटिस्फाइड ही रहता है। आपने समरी में देखा होगा कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो इसका राइट आंसर हो गया बी अनसेटिस्फाइड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम, डिसवेडेड का मतलब होता है रोकना। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, हमारे पूर्वज हमें किस चीज़ों से रोका करते थे। आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम, तो राइट आंसर इसका होगा बी लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हमारे एंसेस्टर्स हमें लग्जरीज एंड प्लेजर्स से हमें रोका करते थे, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। पीपुल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, पीपुल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, पीपुल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, प्राचीन काल में लोग किन चीज़ों से संतुष्ट थे,
आंसर देना है इन विकल्पों के आधार पे, जैसा कि ये चार विकल्प नीचे दिए गए हैं उस आधार पे बताइए। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा डी विलेजेस। हमारे पूर्वज विलेज में गांव में ही रह के ग्रामीण जीवन बिताना ही पसंद करते थे। ओके, इन एंशियंट डेज कॉमन पीपुल फॉलोड, इन एंशियंट डेज कॉमन पीपुल फॉलोड, प्राचीन काल में आम नागरिक आम लोग किन चीज़ों का अनुसरण करते थे, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उस आधार पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी एग्रीकल्चर। राइट आंसर होगा बी एग्रीकल्चर, कृषि पर आधारित थी और कृषि से ही वे लोग जीविकोपार्जन करते थे। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, भारतीय सभ्यता का क्या लक्षण रहा है, किस चीज़ को ऊपर उठाना, तो इसका सही आंसर होगा सी मोरल बींग। राइट आंसर इज सी मोरल बींग। जी हाँ, नैतिक चीज़ों पे ही जोर देती है हमारी सभ्यता, हमारी नैतिक उत्थान के लिए, हमारे नैतिक ग्रोथ के लिए, तो मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा सी मोरल बींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट डेज कॉमन पीपुल एंजॉयड, इन एंशियंट डेज कॉमन पीपुल एंजॉयड, प्राचीन काल में पुरानी सभ्यता में लोग किन चीज़ों से इंजॉय करते थे, इन चार ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए ही आपको जवाब देना है। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा सी द होम रूल। राइट आंसर होगा सी द होम रूल। इंडियन सिविलाइजेशन इज, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और इस सेंटेंस को पूरा कीजिए और बताइए क्या होगा। इंडियन सिविलाइजेशन इज, राइट आंसर होगा बी बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। राइट आंसर होगा बी बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, क्या होगा राइट आंसर, क्या लगता है आपको, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, आप अपना आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके फाइन, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा ए मटेरियल्स। जी हाँ, आधुनिक सभ्यता मटेरियल के पीछे भागती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए मटेरियल। थैंक यू वेरी मच। तो ये इंग्लिश 100 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीरीज मैंने शुरू किया है, अब इसी तरह से ये सीरीज चलता रहेगा और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।